हमारी टीम पहुंची है हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव उटावड़ में और देखने को मिला है बीएसपी से उम्मीदवार चौधरी तैयब हुसैन भीमसिका का उटावड़ के इस्लामीबाद मोहल्ले में जोरदार समर्थन मिला है और लोगों से राय चाहते हैं कि इस्लामीबाद मोहल्ले की और पूरे उटावड़ गांव की वोट किस प्रकार तैयब हुसैन जी को देनी है। हमारे गांव में 9-10 हज़ार वोटों का गांव है, इंशाल्लाह आपके 7 हज़ार वोटों से अपने गांव के 80% पोल करवा के चौधरी तैयब हुसैन भीमसिका के खाते में 7 हज़ार वोट जाएंगे उटावड़ गांव। तो दोस्तों देखने को मिल रहा है चौधरी तैयब हुसैन भीमसिका जो कि बीएसपी से उम्मीदवार है, क्योंकि चंडीगढ़ पहुंचने में भाई साहब को देर नहीं है और निश्चित ही हथीन विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी उम्मीदवार चौधरी तैयब हुसैन की जीत पक्की है। थैंक यू सर। दोस्तों जनता से पूछते हैं, जनता की राय क्या है, आपकी क्या राय है चौधरी तैयब हुसैन भीमसिका के बारे में? चौधरी तैयब हुसैन भीमसिका हमारे इस इलाके का एक लीडर, बहुत ही भाग्यवान, बहुत ही भाग्यशाली लीडर है। हमें उम्मीद है हम उसको वोट देंगे और इंशाल्लाह वो हमारी वोट की ताकत से चंडीगढ़ जाएगा, हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देगा, हमें उम्मीद है, 100% उम्मीद है। हमारा गांव 10 हज़ार वोटों का है और हम ज़्यादा से ज़्यादा, पिछले इलेक्शन में वोट नहीं दिए थे, अब के ज़्यादा से ज़्यादा 7 हज़ार वोट दे करके भेजेंगे इंशाल्लाह चंडीगढ़। थैंक यू सर। थैंक यू जी। तैयब हुसैन भीमसिका को आपसे गुजारिश है, मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, आप इसको मौके को मचा दीजिए और इस किसी के हवा मताइए, इसको आप ज्यादा से ज्यादा वोट देकर अपने इलाके में चंडीगढ़ पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी चौधरी साहेबान, सरपंच साहेबान और इस बड़े गाँव उटावड़ के सारे चौधरी साहेबान, जुम्मेवार साहेबान, नौजवान साथियों, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुख्य अतिथि और आज तो मुझे इस जनसभा को देखकर और बड़े गांव उठावड़ के इस समर्थन को देखकर कोई संकोच नहीं हो रहा है कि मैं इसको भावी विधायक कह दूं, हथीन का आने वाला विधायक कह दूं, चौधरी तैयब हुसैन भीमसिका जी और मंच पर विराजमान चौधरी रफीक अहमद रुपड़िया पाल के चौधरी, सम्मानित और ऐतिहासिक और ताकत गांव उटावड़ के मेरे पिता के समान बुजुर्गों और 72 नौजवान साथियों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घरों में बैठी मेरी दादी, मेरी ताई, चाची, मेरी भाभी, मेरी मौसी, मेरी बहन और प्यारे बच्चों, सभी के लिए मैं दोबारा से सलाम अर्ज करता हूं और आपसे दुआ की दरखास्त भी करता हूं। सरदारों, पिछला जो चुनाव हुआ वो मेरा पहला चुनाव था और पहले चुनाव में 32,000 मतदाताओं ने मेरे ऊपर भरोसा किया, लेकिन हमसे चूक रही, हमसे कमी हुई कि हम ऐतिहासिक गांव उटावड़ में दिल जीत नहीं पाए। मैं विशेष तौर से अपनी कमी महसूस करता हूं। हमारे उटावड़ गांव का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, हमने बुजुर्गों से सुना है, आज भी सुनते हैं कि इस गांव की परंपरा रही है कि जिसको ये आशीर्वाद देते हैं, जिससे वादा करते हैं, उसको ये लास्ट तक निभाते हैं, ये वचनबंद आदमी है। और इस इलाके में, इस उटावड़ गांव की जो महक जाती है, जो आवाज निकल के जाती है, वो चंडीगढ़ से पहले नहीं रुकती। आज मुझे बड़ा गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐतिहासिक गांव उटावड़ में और विशेष तौर से इस्लामाबादी मोहल्ले में जो मुझे बुजुर्गों ने, चौधरी खूबी ने, चौधरी इशाक ने जो मेरे ऊपर पगड़ी बांध करके जो फूल मालाओं से मुझे नवाजा है,
मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ इस मोहल्ले में, इस ऐतिहासिक गांव उटावड़ में, कि इंशाल्लाह अल्लाह को हाजिर नाजिर करके आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ, अल्लाह ने आपकी ताकत से, आपकी ओर से, आपकी दुआ से चंडीगढ़ का तो हालात नजर आगे नजदीक है चंडीगढ़ तो, जिस दिन चंडीगढ़ में आप हतीन की नुमाइंदगी करोगे विधानसभा में, आपकी आवाज उठाने के लिए तैयब भीमसी का कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और ये यकीन भी दिलाता हूँ युवा साथियों के लिए, मैंने पिछले चुनाव में भी प्रण किया था, मैंने कसम खाई थी कि इंशाल्लाह आपकी वोट की ताकत से, आपकी दुआ से मुझे आपकी खिदमत करने का मौका मिला, तो इंशाल्लाह एक एक बच्चे को जो बेरोजगार पढ़े लिखे जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार देने का हम काम करेंगे, निस्वार्थ करेंगे, किसी से एक रुपया रिश्वत लेने का हमारे लिए स्वर्ग के मांस बराबर होगा, किसी से एक रुपया रिश्वत नहीं लेंगे, लूटने नहीं देंगे इस इलाकों को, बर्बाद नहीं होने देंगे इस कौम को।